आईटीआई फर्स्ट ईयर के लिए एक सूचना है, जिनका 2020 में एडमिशन हुआ है, तो उनके लिए सूचना है कि ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है जो हर साल किया जाता है। तो आपको ये वेरिफिकेशन खुद करना है, अपने मोबाइल से कर सकते हैं, अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से भी कर सकते हैं। तो वेरिफिकेशन करने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कैसे आप वेरिफिकेशन करेंगे और किस वेबसाइट से करेंगे, वो सब जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से दे रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और स्टेप बाय स्टेप मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ उसको फॉलो करते हुए आप अपने फॉर्म को फिलअप करेंगे और वेरिफिकेशन पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप मोबाइल है तो मोबाइल ले लीजिए, अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह है, सिस्टम है, तो सिस्टम से भी आप अपने कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाना है, जैसा कि आप स्क्रीन देख रहे हैं। यहाँ जाना है सर्च गूगल, जो यहाँ लिखा है, सर्च इंजन में जाना है। यहाँ पे आपको टाइप करना है MIS, MIS। इसको लिखने के बाद इंटर करोगे तो कुछ इस तरीके से आपके सामने इंटरफेस होके आएगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो लिखा है NCVT MIS होम, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने, तो इस तरीके से आपके सामने जो इंटरफेस खुल के आया, तो आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ ट्रेनी देख रहे हैं, होम ITI, तीसरे नंबर पे ट्रेनी, ट्रेनी पे जाइए आप। यहाँ पे ट्रेनी वेरिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है, लास्ट वाले तीसरे नंबर पे। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुल के सामने आएगा। तो यहाँ पे कई ऑप्शन दिए हैं, एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर, नेम, एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर जो मांग रहा है ये आपको कॉलेज से प्रोवाइड कराया जाएगा, तो ये कॉलेज देगा आपको एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर। नाम अपना डालना है, पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद ये इंटर इमेज टेक्स्ट, जो ये टेक्स्ट लिखा है, नंबर लिखा है, इसको ऊपर डालना है यहाँ पे। फिर इस बॉक्स पे आपको क्लिक करना है और सबमिट करना है। तो चलिए आपको हम दिखाते हैं कि कैसे कैसे आपको करना है। तो जो सबसे पहले आपको इसमें दिख रहा है एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर, ये क्या होता है इसको हम दिखाते हैं आपको। ये रहा जो आपको कॉलेज से प्रोवाइड कराया जाएगा एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर, TR 200 900 17 41 38। अलग अलग बच्चों का अलग अलग नंबर रहेगा, तो ये कॉलेज से आपको मिलेगा। तो ये नंबर डालोगे, उसके बाद आपको डालना है अपना नाम, पिताजी का नाम, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। तो ये डालने के बाद आपको, चलिए हम आपको बताते हैं करके कि कैसे करना है इसको। सबसे पहले देखो डालते हैं क्या था उसमें, TR, उसके बाद 200 900 है, 17, ये हो गया। अब नाम डालना है इसमें, नाम जो स्पेलिंग आपको आपके कॉलेज में जो लिखा गया वही डालेंगे, तभी आप ये आपका साइट ओपन होगा। तो हम लिखते हैं, नाम लिखते हैं इसमें, नाम हम लिख रहे हैं, ठीक, पिताजी का नाम इसमें लिखा जाएगा, ध्यान पूर्वक देखिए इसको। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ कैसे डालना है, तो ये मार्च जहाँ लिखा है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। पहले आपको डेट ऑफ बर्थ में सन लेना है, सन क्या है तो इसमें हम ले रहे हैं उनका 2002 डेट ऑफ बर्थ है, कौन सा मंथ है वो भी लिखना है, उसके बाद तारीख, इतना होने के बाद आपको ये कैप्चा कोड डालना है 72 71। फिर इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे और उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद कुछ टाइम आपको रुकना पड़ेगा, इंटर टेक्स्ट डज नॉट मैच यहाँ पे लिख के आ रहा है विद द इमेज, तो ये कई बार ऐसा होता है, इससे आपको घबराना नहीं है। दोबारा आपको इस टेक्स्ट को डालना है और फिर सबमिट करना है।
सबमिट करने के कुछ टाइम बाद ही ये आपके सामने कुछ इस तरीके से ओपन होगा। देखिए दोस्तों, ये आपके सामने ओपन हो गया। ये आपका फ़ोटो है, फ़ोटो आप अपना देख सकते हैं, मिला सकते हैं। ट्रेनी का नाम अपना स्पेलिंग सही देख सकते हैं इसमें। डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और माताजी का नाम, पिताजी का नाम, सब आप। मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर बहुत ज़रूरी है, ये आपके पास होना चाहिए। इसी नंबर पर आपका OTP जाएगा, जो नंबर इसमें दर्ज है इसी पर OTP जाएगा, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो इतना करने के बाद आपको क्या करना है, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे यहाँ पे एग्री पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एग्री पे क्लिक करेंगे तो इस नंबर पे OTP जाएगा, इस नंबर पे OTP जाएगा। अब जो OTP जाएगा वो OTP आपको यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से आपका जब OTP आएगा तो यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है, OTP डाल के सबमिट करना है। अब सबमिट करने के बाद कुछ टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे लिख के आ जाएगा रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली, ठीक, ये लिख के आ रहा है रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, मतलब आपका रिकॉर्ड जो है वो पूरी तरीके से सेव हो चुका है सफलतापूर्वक। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना है, और रजिस्ट्रेशन आप जल्द से जल्द करिए। इस वेरिफिकेशन को करने के पश्चात ही आप जुलाई के एग्ज़ाम में एलिजिबल होंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को करें और दोस्तों को भी शेयर करें।